आज के वीडियो में हम बात करेंगे आइडल और सेंटर फॉर डिस्टेंस एंड ऑनलाइन एजुकेशन दैट इज CDOE, जो अभी चेंज हो गया है आइडल का नेम, इसके कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में। दो मेजर इंपॉर्टेंट अपडेट आया है, जिसमें एक ATKT का है और एक रिवैल्यूएशन के रिगार्डिंग नोटिस आया है। जो इसके पहले हमने नोटिस अपडेट किया था उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर आप देखोगे यहाँ पे सेंटर फॉर डिस्टेंस और ऑनलाइन एजुकेशन का, और थर्ड हम लोग डिस्कस करेंगे एडमिशन के रिगार्डिंग। जैसा कि आपको पता है 30 तारीख लास्ट डेट है, ठीक है, और आज का जो दिन है वो लाइक 27th ऑफ अगस्त है। 3 दिन हमारे पास और है और नया डेट एक्सटेंड होने का अभी तक कोई अपडेट नहीं आया है। तो अगर कुछ आता है अपडेट तो मैं आपको जो है मेरे यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल पे जो है अपडेट करूंगा। तो मेक श्योर लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जाके फॉलो कर लेना और अपडेटेड रहना, ठीक है। सबसे पहले हम लोग एडमिशन के रिगार्डिंग देख लेते हैं। अगर मैं एडमिशन के रिगार्डिंग देखता हूँ तो एडमिशन के रिगार्डिंग कोई नोटिस अभी तक नहीं आया है। यहाँ पे देख सकते हैं ऑनलाइन एडमिशन अगर मैं प्लस करता हूँ तो यहाँ पे कुछ मेंशन इन्होंने नहीं किया है। हाँ, ये एक नोटिस है एक्सटेंडेड डेट का, इसको हम लोग ओपन करके चेक कर लेते हैं, जिससे हमको पता चल जाएगा कि डेट एक्सटेंड हुआ है या नहीं एक्सटेंड हुआ है, ठीक है। ये नोटिस देखिए, ये पुराना नोटिस है जो पहले आया था, ठीक है, 16th ऑफ अगस्त को आया था। जो लास्ट डेट था वो 30 अगस्त तक कर दिया गया था, और ये भी जो डेट दिया है 22 तारीख, ये भी 30 अगस्त तक कर दिया गया था। नया नोटिस इनके वेबसाइट पर अपडेट अभी तक नहीं हुआ है, ठीक है। तो ऑनलाइन एडमिशन का जो अपडेट है उसका कोई एक्सटेंड डेट अभी तक नहीं आया है, पहला चेक क्लियर। नाउ दूसरा हम लोग क्या करते हैं, ATKT का चेक कर लेते हैं। देखिए ATKT का जो है ये अपडेट आया है, जिसमें MA के कोर्सेज के लिए, देखो MA के सारे कोर्सेज के लिए, जिसमें सेमेस्टर 2 एंड सेमेस्टर 4, ठीक है, इसके कोर्सेज के लिए जो है डिफरेंट अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं। ये डेट जो दिया गया है यहाँ पे डेट चेक कर सकते हैं, 23rd अगस्त से लेकर 29th अगस्त तक है। ये फीस दिया गया है, ठीक है, ये सारे सब्जेक्ट्स का, और आपको यहाँ पे लिंक दिया गया है। इस लिंक पे क्लिक करके जो है आप अपना ATKT का फॉर्म फिल कर सकते हैं। ये डेट आया है, ठीक है, आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे। और ये जो डेट आया है ये 23rd ऑफ अगस्त को आया है, ठीक है, लेकिन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जब मैं जाता हूँ ना तो यहाँ पर अपडेट नहीं हुआ। मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखो ये यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है। अब यहाँ पे देखो एक टैब ऑप्शन है, कौन सा, एग्जामिनेशन फॉर्म फॉर ओल्ड एंड रिपीटेड, ब्रैकेट में सेमेस्टर पैटर्न लिखा है। इसको जब मैं प्लस करता हूँ तो देखो ये तो पुरानी नोटिस, अब देखो यहाँ पे, हाँ अभी इन लोगों ने जो है अपडेट किया यहाँ पे, देखो ओल्ड सेमेस्टर 3 का ये वाला नोटिस यहाँ पे चेक कर सकते हो, ठीक है। और अगर आप ओल्ड एग्जामिनेशन का CBCS सेमेस्टर पैटर्न से हो स्कीम का, तो ये यहाँ पे आप जो और भी दूसरा फॉर्म है ये आप चेक कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे जो है बहुत सारे अपडेट्स हैं, जिसमें हाँ ये तो डेट खत्म हो चुका है, 17 अगस्त से लेके 19 अगस्त, ये तो पुराना नोटिस है, इसका डेट खत्म हो चुका है, ठीक है, पुराना नोटिस है ये। तो यहाँ पे डेट आप आके चेक कर सकते हैं। तो दूसरा एग्जामिनेशन का डेट खत्म, ठीक है, ATKT का। तीसरा जो अपडेट था वो रिवैल्यूएशन का, जो मैंने इसके पहले वाले वीडियोज में बनाया था। देखो जब ये इतने सारे पुराने नोटिस है जो यूज में नहीं है, उसको आइडल को खत्म कर देना चाहिए, मतलब डिलीट कर देना चाहिए जो यूज़ में नहीं है। अगर यूज वाला है तो उसको रखे रहो सेफ्टी के तौर पे, या तो फाइल बना के, हम लोग कॉलेजेस में जब पढ़ाते हैं तो अगर पुराना कुछ डेटा है तो फाइल बना के रख लेते हैं ताकि फ्यूचर में यूज़ हो, उसको वेबसाइट से हटा देते हैं। अब देखो यहाँ पे रिवैल्यूएशन का ऑप्शन है, देखो इसमें भी रिवैल्यूएशन का इन्होंने एक लेटेस्ट नोटिस अपडेट किया है। बस इस नोटिस में गड़बड़ है कि यहाँ पे इन लोगों ने स्टैम्प जो मारा वो जून का मार दिया। एक्चुअल में देखा जाए तो ये तो 24th अगस्त होना चाहिए यहाँ पे, ये जून का इतना पुराना नोटिस अभी क्यों अपडेट कर रहे हैं वो नहीं मुझे समझ। लेकिन ये नोटिस है तो क्लियरली मेंशन किया है यहाँ पे, देखो ऑनलाइन रिवैल्यूएशन प्रोसेस फोटोकॉपी 3rd ईयर एंड पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम आइडल, बरोबर इन लोगों ने दे दिया है कि भाई सेंटर फॉर डिस्टेंस ऑनलाइन एजुकेशन, बरोबर ये प्रॉपर दिया है। यहाँ पे इन्होंने एक मेंशन किया है कि ये जो रिवैल्यूएशन का फॉर्म भरना है वो इस लिंक से भरना है। यहाँ पे कोर्सेज मेंशन किया, एग्जामिनेशन फॉर BA BCOM BAF जो है कोर्सेज, MCOM MSc ये सारे कोर्सेज के लिए, फोटोकॉपी रिवैल्यूएशन आंसर शीट, दे कैन विजिट दिस वेबसाइट। और यहाँ पे एक चीज़ और उन्होंने मेंशन किया है, इसको थोड़ा मैं जूम करता हूँ ताकि आपको पढ़ने में आए, ठीक है। देखो द स्टूडेंट हैज़ टू सेलेक्ट दी सेट प्रोग्राम्स बाय यूजिंग रिस्पेक्टिव प्रोग्राम्स एंड कोड सीट नंबर, ठीक है, ऑफ द एग्जामिनेशन। और यहाँ पे देखो क्या लिखा है, प्रोग्राम कोड और सीट नंबर जो होगा वो आपके हॉल टिकट में मेंशन किया जाएगा। तो वे तो मैंने प्रीवियस वीडियो में भी ऑलरेडी एक्सप्लेन किया था। तो ये जो अपडेट्स है, ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। बट यहाँ पे मुझे सिर्फ एक ही डाउट है कि भाई डेट यहाँ पे इन्होंने गड़बड़ किया है।
या ये पुराना नोटिस है या तो नया नोटिस है, बट उन्होंने गलती से मिस्टेकनली क्या किया, डेट को दूसरा प्रिंट कर दिया है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट थे। इसके अलावा अगर हम लोग रिजल्ट्स की बात करें तो रिजल्ट्स कब तक आएगा सेमेस्टर टू सेमेस्टर थ्री, वो भी हम लोग थोड़ा चेक कर लेते हैं। यहाँ पे ऊपर जाएंगे, यहाँ पे रिजल्ट सेक्शन में, कहाँ है रिजल्ट सेक्शन, ओके रिजल्ट सेक्शन में जाएंगे तो यहाँ पे अभी तक सिर्फ टी वाई बैफ के रिजल्ट पेंडिंग हुआ, अकाउंटिंग फिनांस का रिजल्ट जो है अपडेट हुआ है, यहाँ पे चेक कर सकते हो पहला फर्स्ट वाला, राइट। तो उम्मीद करता हूँ ये अपडेट आपको पसंद आया होगा, अगर हाँ तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। अभी तक अगर आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो हम अपडेट करते हैं आप सभी लोगों के लिए, तो मेक श्योर सब्सक्राइब करके रखना। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।